लखनऊ में गुरुवार रात कार टकराने को लेकर हुए विवाद में पीलीभीत में तैनात दरोगा विनोद कुमार पर दबंगों ने हमला बोल दिया था। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद हसनगंज पुलिस ने वारदात में शामिल दूल्हे और उसके बहनोई समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सभी आरोपित माफी मांग रहे हैं। थाना हसनगंज में निराला नगर चौकी के अंतर्गत रेगनेंट होटल पड़ता है। रात में प्रियांक नाम का एक युवक है जिसका रिसेप्शन था वहां पे। एक एसआई है विनोद कुमार जो कि पीलीभीत में तैनात है। वो अल्पसंख्यक आयोग के कुछ पेपर्स लेके आए थे लखनऊ। रात में जब वो अपनी गाड़ी चला के उधर से निकल रहे थे तो एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी प्रियांक के गाड़ी से टकरा गई, जिसमें उस एक्सीडेंट की वजह से जितने भी लोग थे वहां शादी में वो लोग बाहर आ गए। उन लोग के बीच में झड़प हुई और उन्होंने जो एसआई विनोद कुमार है उनको थप्पड़ मारा, पब्लिक वे में थप्पड़ मारा उन्हें, और उनके पास जो सरकारी कागजात थे, जो पोजीशन में उनके मोबाइल था और भी चीजें थी, उसको भी छीनने की कोशिश की। इस चीज को संज्ञान में लेते हुए वादी एसआई विनोद कुमार जो कि पीलीभीत में है उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 352/21 हसनगंज थाने में पंजीकृत हुआ है। धारा 323, 504, 506, 395, 353 और 34 में इसमें चार लोगों की अरेस्टिंग की गई है। प्रवेंद्र माथुर, प्रियांक माथुर, आशीष कुमार शुक्ला, प्रांजुल माथुर। बताना है कि इसमें प्रियांजुल जो है ये 21 साल के हैं, तैयारी करते हैं। आशीष प्राइवेट ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। प्रियांक माथुर जिनका रिसेप्शन था वो दिल्ली में वकील हैं, और इनके साथ दो लोग और अज्ञात हैं जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है। सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिखाएगा।